क्या तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने ये एक बार फिर से मिसाइल दागी है जापान की तरफ, जापान के डायरेक्शन में। जापान ने इसे उकसावे वाली हरकत बताया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने इसके बाद सैन्य अभ्यास किया है, युद्ध अभ्यास किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर जरा भी तनाव होता है तो उसका सीधा असर दक्षिण कोरिया पर पड़ने जा रहा है। उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से एक बार फिर मिसाइल दागी है, लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। हाल ही में एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी इसने किया और अब एक बार फिर से जापान के ऊपर मिसाइल दागी है। इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे उत्तर कोरिया के ऊपर, लेकिन उस सबका कोई असर होता नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इन प्रतिबंध लगाने के बाद से ही भड़क उठा है और उत्तर कोरिया, और इस वजह से ये हरकतें कर रहा है। ये देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कहां ये मिसाइल दागी गई। प्रशांत महासागर में जाकर ये गिरी है। जापान को आप देख पा रहे हैं, उत्तर कोरिया, उसके नीचे दक्षिण कोरिया, और ये मिसाइल दागी गई है। करीब 3700 किलोमीटर का सफर इस मिसाइल ने तय किया, 770 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई ये मिसाइल जो दागी गई है नॉर्थ कोरिया से जापान की तरफ। ये देखिए, जापान को पार करते हुए प्रशांत महासागर में जा गिरी ये मिसाइल। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल दागी है जापान की तरफ। जापान ने कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उकसावे वाली हरकत है, और इस सबके बीच दक्षिण कोरिया ने युद्ध अभ्यास किया है।北朝鮮の危険な挑発行為に対して国際社会で団結して一致して明確なメッセージを発しなければなりません。今こそ国際社会の団結が求められています。先般の制裁決議を完全に履行しなければならないことが改めて明らかになりました。 तो जापान ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसका भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा। इस सबके बीच दक्षिण कोरिया ने युद्ध अभ्यास किया है, और दक्षिण कोरिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम आपको सुनाते हैं। दक्षिण कोरिया ने यह कहा है कि बातचीत से अब बात बनने नहीं वाली है। तो कड़ी निंदा की गई है दक्षिण कोरिया की तरफ से, युद्ध अभ्यास भी किया है दक्षिण कोरिया ने। दोनों कोरियाओं के बीच काफी तनाव रहता है, इस वजह से सीधा असर क्योंकि दक्षिण कोरिया पर पड़ेगा, इसलिए दक्षिण कोरिया ने युद्ध अभ्यास किया है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है, क्योंकि जापान ने कहा है कि उकसाने वाली हरकत है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर जापान अपने पर आ जाता है और इसका जवाब देने के ठान लेता है तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जापान के ऊपर एक बार फिर उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी है, लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, हाल फिलहाल में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। यूनाइटेड नेशंस ने कड़े प्रतिबंध लगाए लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है उत्तर कोरिया, और एक बार फिर से जापान के ऊपर, जापान की दिशा में ये मिसाइल छोड़ा गया है जिसे जापान ने उकसावे वाली हरकत बताया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।